अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर में 8 जनवरी बरवोज बूथ को जो बंद रखा जा रहा है, इस बंद को कुल जमाती तहरीक ने सिर्फ ताहिद दी है। कुल जमाती तहरीक ने 8 जनवरी बरवोज बूथ के रोज़ बंद का किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। ये बंद ट्रेड यूनियन यानी मजदूर व कामगार के हकूक से मुतालिक एहतजाज में बंद रखा गया है। कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारों ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर चल रही बंद की अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। ये बंद सिर्फ और सिर्फ ट्रेड यूनियन का है। शहर नांदेड़ को कुल जमाती तहरीक की जानिब से ये इत्तला दी जा रही है कि शहर नांदेड़ में कल 8 जनवरी को बंद के ताल्लुक से जो अफवाहें गश्त कर रही हैं कि यह बंद कुल जमाती तहरीक की तरफ से जो है बुकाल किया गया है, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। इस गलत फहमी को सब हजरात दूर कर ले। यह बंद कुल जमाती तहरीक की जानिब से काल नहीं की गई है, बल्कि ट्रेड यूनियन यानी मजदूरों और कामगारों के हकूक के लिए जो एक तंजीम ऑल इंडिया लेवल पर काम करती है, उसकी एक शाख नांदेड़ में है, उनकी तरफ से यह बंद काल की गई है। कुल जमाती तहरीक की तरफ से इस बंद को जो है सिर्फ तायीद की गई है। इस बंद के अंदर कुल जमाती तहरीक का किसी किस्म का अमलन हिस्सा नहीं है और ना अमलन इसमें शरीक रहेगी कुल जमाती तहरीक। और एक बात यह है कि कुल जमाती तहरीक सभी आवाम से अपील करती है कि कल के जो बंद है उसमें मजदूरों के हकूक़ के हवाले से जो आवाज़ उठाई जा रही है, उसमें अगर आप तआवुन करना चाहें तो करें। और चूँकि कुल जमाती तहरीक का क़याम NPR, NCR, NRC और CAA इन इंसानियत जो है इंसानियत मुखालिफ क़वानीन से क़वानीन के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए उसका क़याम अमल में आया है। लिहाजा कल का जो बंद है ट्रेड यूनियन का, वो सिर्फ़ कामगारों के हकूक़ और मज़दूरों के हकूक़ के सिलसिले में है। तो हमारी जो तहरीक काम करेगी वो सिर्फ़ NRC, CAA और NPR के ख़िलाफ़ काम करेगी। इसलिए हमारी अपील है कि अगर कामगार और मज़दूर हजरात या व्यापारी हजरात, ताजिर हजरात अपने तौर पर रजाकाना तौर पर अगर बंद करना चाहें तो अपने काम को बंद करें, कारोबार को बंद करें। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई अपील बंद के सिलसिले में नहीं की जा रही है। जज़ाकअल्लाह। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।